अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत भाई, पहली चीज़ मैं बताना चलूँ कि हमारे साथ ऐसा सीन हुआ कि परसों की बात जो है दोस्तों, वो मैंने व्लॉग डाला था और वो पहले वाले डाल दिया जल्दबाजी में और मुझे पता ही नहीं, मैं फिर आप लोगों को बता रहा था बाहर रबी के काम में हम लग जाएंगे। तो कल जो है मैंने व्लॉग डाला था और वो गलत व्लॉग डाल दिया, फिर उसको रात में मैंने डिलीट करा क्योंकि वो परसों वाला व्लॉग डाल दिया था तो वो डिलीट कर दिया। और जो कल वाला व्लॉग था वो मेरे पास पड़ा था, वो आज अपलोड होगा। और ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये 12 रबी वाले दिन का है, ये कल अपलोड होगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई और एक दिन बीच में रह गया व्लॉग का, तो ये सिर्फ मसला था दोस्तों। तो एक दिन का व्लॉग का ख़राबी हो गई। बाकी दोस्तों अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और बाकी हमारा कुछ हाल ही हुआ है, वो देखें, स्पीकर रखवा रहे हैं, स्पीकर लग रहे हैं। बाकी दोस्तों जुलूस आने में अभी टाइम है रबी अव्वल का, तो तकरीबन अभी कम से कम 12 बजे तक वो आएंगे, तो एक घंटा है पूरा। तो मैंने बोला यार इनको खोल दूँ अपना जो सेटअप है और इनको दाना पानी कर दूँ पहले जल्दी जल्दी में, फिर जुलूस दिखाता हूँ आपको। और रात को जो हुआ था वो दोस्तों मेरी अभी नज़र पड़ी है और ये पता नहीं क्या मुसीबत है मेरे हर बर्ड के साथ, ये मुसीबत है। ये देखें इसने अंडा ही तोड़ दिया अपना, क्या कहते ये। अबे यार ये इन भाई साहब का अंडा है और इन्होंने ये देखें पूरा दोस्तों पूरा अंडा ख़राब कर दिया, पता नहीं क्या है यार। ये अंडा दिया वो भी तोड़ दिया, ये नर ने तोड़ा होगा लाजमी या फिर इसने नीचे अंडा दे दिया है क्या। चलो खैर है, इनके अंडे आने वाले थे, मैंने आपको बताया था एक अंडा आया वो तो गया, अब दूसरा अंडा भी ये दे देंगे वो भी मुझे लग रहा है तोड़ देंगे। दोस्तों सबका दाना पानी कर दिया है पर उसके ही दौरान हमें एक और चीज़ मिली, ये देखें इन्होंने भी अपना अंडा जो है बाहर फेंका हुआ है। ये जो हमारी ये माता हैं ये बजिस की, तो ये भी अंडे बाहर ही फेंके जा रही हैं। एक और अंडा फेंक दिया इन्होंने, वो नीचे पड़ा हुआ, मैं आके निकालूंगा। समझ से बाहर है मैं सेटअप पे क्या सीन हो रहा है, मतलब ये लोग अंडे ही फेंक देते हैं। चलें खैर पहला अंडा था क्योंकि ये जो ब्रिड थे दोस्तों, ये जो हमारे पास आए पाँव पोस्ट, इनका पहला अंडा था अपनी ब्रीडिंग का, इनका जो था वो पहला अंडा आया था हमारे पास। हो जाता है लेकिन दुख हो रहा है मेरे को यार, पहला अंडा था तोड़ते तो नहीं। तो बाकी दोस्तों अब जो है जुलूस आने में थोड़ी देर है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो जैसे ही जुलूस आता है मैं आप लोगों को जुलूस दिखाता हूँ। और हमारे ये जो हैं खाने में लगे हुए सेटअप माशाल्लाह, इनको मैं बंद करके जाऊँगा क्योंकि दोस्तों जब जुलूस आएगा तो ये सारे के सारे आप लोगों को पता है भागेंगे इधर उधर, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीकर की आवाज़, उसके बाद वो जो आ रहा होता है जुलूस उनके स्पीकरों की आवाज़, तो ये परेशान हो जाए, अल्लाह ना करे ये डरे मुझे ये कूद कूद आना जाए, क्योंकि बंदा इतना है कोई भी ले जाएगा, कोई नहीं छोड़ता आजकल। तो इस वजह से मैं इनको बंद करके नीचे जाऊंगा, तो डायरेक्ट जुलूस में मिलते हैं अब हम, कैसा जुलूस है वो दिखाते हैं आपसे। दोस्तों अहमदा छप्पर है, मुझे बुलाया उसने जल्दी में, पता नहीं क्या क्या हुआ। अहमदा अंडा दिया, किसने दिया? इन्होंने माशाल्लाह। दोस्तों हमारे जो ब्लैक बफ है उनका अंडा आ गया, हमारी चोटी सी इन्होंने। कौन नाम रॉकेट रॉकेट लग दो ना क्या रखना है रॉकेट। तो दोस्तों हमारे पास ब्लैक बफ का अंडा आ गया है। अब ब्लैक बफ का अंडा माशाल्लाह से अच्छा है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। अहमदा है कैसा ये? वाइट है। ये है किस टाइप का अहमदा? छोटा सा अंडा है इसका और आपको पता ही अंडा बिल्कुल सही है। कौन यार ये दोनों बाहर तो आए हैं, अब मेरे को इनके बच्चों का कंफर्म करना है। अब वो देखो ना इनकी डंडी भी गिर गई है। ये एक दिन का मैंने वक्फा लिया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपना कल का, सिर्फ कल का वक्फा लिया है क्योंकि कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया दोस्तों। वजह ये थी रोड पे इतने काम थे, मैं सुबह 10 बजे उठा हूँ और रात को दोस्तों कल 5 बजे घर में सुबह घुसा। आप अंदाज़ा लगा लो ये इसमें कोई झूठ नहीं है, भारी खाना खाया,
हरी पानी पिया, सिर्फ रात में नहाने के लिए आया हूँ, नहा के कपड़े चेंज करके फिर ये कपड़े पहन के मैं बाहर गया हूँ। उसके बाद दिए जलाएं, जाहिर सी बात है हमारे नबी की विलादत है, एक दिन का है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वीडियो नहीं आए एक दिन को, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन पहले वहाँ का काम अच्छा हो जाए वो मेरे लिए ज़रूरी है। क्या कर रहे हो? गलत। देखना यार डरना चाहिए, मुझे भी लो ब्लॉग में। ले तो रहा हूँ भाई, इनको भी ले लो, ये रही है तुम्हारी, सही अंडा इधर लाना, ये देखो। क्या हमजा जो है वो लकड़ी लगा रहा है, देखते हैं इनकी जो ये दोस्तों पतली सी वायर वो इन्होंने गिरा दी थी, और ये देखें आड़ी लगा दो, जैसे तैसे अभी टिका दो जल्द से जल्द, इससे पहले ये ऐसे है ये चूजे बेटा मेरे दोस्त ने मुझे दे दिया, जो वो खुद तो पाल नहीं सके उन्होंने मुझे लाके दे दिया, भाई तू रख ले यार ये, तो हमने रख लिया ये, तो इसलिए आते ही चूजे हमारे पास इतने सारे आ गए। लगा दी फिलहाल तो लगा दिया है, क्योंकि अभी दोस्तों इनको छेड़ना मुश्किल है बहुत, क्योंकि इनके अभी अंडे ही हैं, बच्चे नहीं निकले हैं। और एक चीज़ पता चली हमने, इन्होंने अंडा तोड़ दिया अपना, घास का रखी है, तोड़ेंगे नहीं, घास तो रखी थी, अब वो नीचे आया, इसने नीचे दिया है, यहाँ पड़ा हुआ था अंडा, यहाँ ये देखो अरे यहाँ दिया है, हाँ तो घास गलत नहीं होगी ना, उसको ने तो रख दिया, तो उसने उधर दे दिया अंडा, अब क्या कर रहे हैं, अब घास रख देता हूँ भाई मैं, एक छोटी सी गलती हो गई, सिर्फ एक दिन का वक्फा मेरा बेकार हो गया। खैर ब्लैक बफ का हमारे पास अंडा आ गया है दोस्तों, क्या रखाते रख दो इसको, वहाँ रख दो, अरे जानवरों के लिए है ये, तुम्हारों के लिए थोड़ी है, ये बच्चे बंद करने के लिए नहीं है, ये देखें इनकी हरकतें देखें, ये देखें हरकतें दोनों एक दूसरे को बंद करने में लगे हुए हैं, ये देखो ये क्या हरकतें कर रहे हैं, हम तो वो देखो जाली में बंद हो रहे हैं दोनों। तो दोस्तों भले इनका अंडा टूट गया तो क्या हो गया, ब्लैक बफ का हमारे पास अंडा आ गया, तो एक दिन खुशी की खबर गम, तो फिर कभी खुशी कभी गम वाला सीन हुआ है हमारे साथ आज, तो बस क्या करें भाई, तुम लोग अंडों पे बैठ जाओ यार प्लीज़, हाथ जोड़ूँ क्या करूँ मैं, अंडों पे बैठ जाओ प्लीज़। दोस्तों मैं जब घर पर आया था जुलूस के बाद, तो हमें खबर मिली कि हमारा जो ये मेहमान आए हुए थे वो वापसी चले गए, ये और ये मुर्गा मुर्गी दोनों भाई ले गए, बोले यार मैंने मंगा लिया था दोस्त ने, तो मैंने बोला अब ले जाओ, मैंने बोला भाई हाँ मेहमान मिला, बोला कि अब आप ले जा रहे हो, मैंने बोला अब आप ले जाओ ये, उन्होंने बोला भाई मैं ले गए, देकर भी आ गया हूँ मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने बोला अब चले गए, मैंने बोला भाई अब उनको बोलना कि इनकी केयर करें ताकि सही से रह सकें उनके पास, ये नहीं कि आना जाना बहुत मुश्किल हो जाती है, और सेटअप है ना एक अजीब सा वो हो जाता है, कोई जानवर आ उसके बाद वो चले जाए एक अच्छा नहीं लगता, बस ये बात होती है। तो चलें दोस्तों, काफ़ी यार गर्मी बहुत है यार आज, कसम से ऐसा लग रहा है ऐसा पता नहीं क्या है। बाकी एक चीज़ मैं भूल गया था यार, सॉरी, आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे तमाम सेटअप की तरफ से भी भाई। बाकी दोस्तों रोड सजाने की वजह से मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला ना, तो आप देखें ना, मैं एक छोटा झंडा लाया था, छोटे वाले को नीचे घर पे दे दिया मैंने, मिला भाई घर में रख लो इसको, रख लो झंडा घर में रखो या लगाओ लहराओ एक ही बात होती है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे बांधता मैं, तो फिर मुझे आप लोगों को पता टाइम चाहिए था, भाई वगैरह सब जॉब वगैरह पर, मैंने उन्हें बोला था, बाकी बस हो जाता है इंसान के साथ, मैं अपना सेटअप भी सजा नहीं पाया, मुझे सजाना था यार इसको, एक दो लाइटें ही लगाता ऐसा लगाता है खूबसूरत लगे, जैसा भी सेटअप है लगता तो अच्छा, कोई ऐसी वो नहीं है भाई, मुझे वो नहीं होती कि सेटअप जैसा भी हो आप सजा सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आने वाली ईयर मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास इतना हुआ तो मैं बहुत अच्छा सजाऊँगा। तो दोस्तों अब मैं व्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कर दें, मेरे चैनल का मैं शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, वीडियो देख लें आप लोग। سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون.